सुप्रभात बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 3 फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? हम एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ेंगे जो एक नर्स थी। बच्चों, आपने सुना है कि जहाँ पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, वहीं उसी लड़ाई में सभी डॉक्टर नर्सेज अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। कोरोना वायरस से लड़ने में नर्सों व स्वास्थ्य कर्मचारियों के साहसीपूर्वक काम को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 12 मई का दिन सभी नर्सों को समर्पित है, क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी एक नर्स थी और इसके जन्मदिन पर ही यह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 मई को। तो चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में। आपने अस्पतालों में सफ़ेद ड्रेस में नर्सों को मरीजों की सेवा करते देखा होगा। देखा है बच्चों आपने अस्पतालों में कि नर्स ने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी होती है। अपने समर्पित सेवा भाव से ये मरीजों की निराशा दूर कर उसमें आशा का संचार करती है। यानी कि जो मरीजों को ये लगता है कि वो ठीक नहीं होंगे, तो उसमें नर्स एक अहम भूमिका निभाती है और उन्हें ये तसल्ली देती है कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आज जीवन का संदेश देने वाली प्रेम और सेवा की प्रतिमूर्ति, प्रतिमूर्ति का शब्द का अर्थ है बच्चों प्रतिमा, नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। आपको पता है ना बच्चों कि नर्स को सिस्टर भी कहा जाता है। ये महान विभूति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बनाए मार्ग पर चल रही हैं। नाइटिंगेल ने अपनी सेवा से उन लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई जो किसी न किसी रूप से लाचार थे। उन्होंने नर्स के पेशे को एक नई परिभाषा दी। यानी कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उसने लोगों की इतनी सेवा की कि लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि अगर हमारे ऊपर नाइटिंगेल हमारी सेवा कर रही है तो हम जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। और उसी रूप को आगे आने वाली पीढ़ियों ने भी अपनाया और उसी प्रकार वो सेवा करती रहीं। नाइटिंगेल का जन्म सन 1820 में इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ था। तो बच्चों, नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ? 1820 में, और इटली का शहर था और उसका नाम क्या था? फ्लोरेंस, फ्लोरेंस शहर था। इनके माता पिता की इच्छा थी कि बच्चों के समान उनके जन्म स्थान से जुड़ा हुआ हो और इसी कारण उन्होंने अपनी कन्या का नाम फ्लोरेंस रख दिया, क्योंकि उनके माता पिता चाहते थे कि बच्चे का नाम उनके जन्म के स्थान पर हो, इसलिए उसका नाम फ्लोरेंस रखा गया। इटली में इस बालिका के जन्म से पहले फ्लोरेंस नाम पुरुषों का होता था, यानी कि आदमियों का ही होता था, लेकिन आज इस महान नारी के कार्यों के कारण फ्लोरेंस नाम रखना अनेक महिलाओं के लिए गर्व की बात हो गई। यानी उसके बाद बहुत सारी महिलाओं का नाम फ्लोरेंस देखने को आपको मिलेगा। नाइटिंगेल संपन्न माता पिता की प्रिय संतान थी और बड़े ही नाच नखरों के साथ पली थी। यानी कि जो नाइटिंगेल का परिवार था बहुत ही सुख संपत्ति से संपन्न था और वो बहुत ही नाज रखरों के साथ पली हुई थी। उच्च शिक्षा से पूर्ण थी, उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की, परंतु उसका हृदय
सदैव सेवा की भावना में डूबा रहता था, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जो उसका मन था वो हमेशा मानव की सेवा करने में डूबा रहता था। वो मानव की सेवा करना चाहती थी और दुखी लोगों का दुख दूर करने की एक तड़प उसने अपने हृदय में थी। उसे लगता था कि इतना पढ़ने के बाद भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं मानव जाति की सेवा ना कर सकूं, क्योंकि उसे लगता था कि मानव की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। तो बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।